देखो यार दोस्तों, आज की वाली वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे BGMI से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे भाई BGMI के अंदर आने वाले एक एक्सक्लूसिव अचीवमेंट के बारे में, जो कि भाई यहाँ पे 6 दिन के बाद कंप्लीट मतलब एंड होने वाला है BGMI के अंदर। जी हाँ, इसके अलावा यहाँ पर एक सुपर वॉरियर है जो कि 6 दिन के बाद ये भी एंड हो जाएगा। तो क्या आप लोगों ने ये वाला अचीवमेंट कंप्लीट कर लिया, मुझे कमेंट करके बताना। इसके अलावा जो विश कम ट्रू अचीवमेंट है, अगर आप लोगों ने ये वाला मतलब प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आप मेरा देखोगे तो मेरा भाई सारा कंप्लीटेड है, बस ये वाला जो है ना भाई, जो ड्रैगन बॉल का जो ट्रायल होता है ना एक बार, वो वाला मैंने यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे डक फ्लीट के बारे में। तो क्या भाई 6 दिन के बाद ये हटने वाला है गेम के अंदर से, और ये कंप्लीट कैसे होगा, ये क्या आप लोगों का ऐसे ही रह जाएगा, क्या 6 दिन के बाद नया अपडेट आने वाला है गेम के अंदर, ये भी बात करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कुल मिला के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गेम के अंदर प्रीमियम क्रेडिट के बारे में। तो 18 दिन के बाद दोस्तों गेम के अंदर एक नया प्रीमियम क्रेडिट आने वाला है, जो कि गेम के अंदर अपडेट हो जाएगा 18 दिन के बाद, जो कि दोस्तों 2.7 अपडेट का लास्ट प्रीमियम क्रेडिट होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को क्लासिक क्रेडिट के बारे में बात करूँ तो देख पा रहे हो सिमिलरली 20 दिन के बाद दोस्तों आप लोग का जो क्लासिक क्रेडिट है वो यहाँ पे दोस्तों जो रिफ्रेश होने वाला है। इस बार के क्लासिक क्रेडिट में दोस्तों यहाँ पे जो आप लोगों को M24 की अपग्रेडेबल वेपन देखने के लिए मिला था। आने वाला जो नेक्स्ट क्लासिक क्रेडिट है उसमें कौन सा अपग्रेडेबल वेपन है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के किसी और वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल दोस्तों 20 दिन के बाद आपको एक और यहाँ पे क्लासिक क्रेडिट देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि 2.7 अपडेट का लास्ट क्लासिक क्रेडिट होने वाला है। एंड अगर सप्लाई क्रेडिट के बारे में बात करूँ तो सप्लाई क्रेडिट दोस्तों आप लोगों का यही, जी हाँ, ये लास्ट सप्लाई क्रेडिट है। मतलब गेम के अंदर भाई यहाँ पे आप लोगों को जो सप्लाई क्रेडिट देखने के लिए नहीं मिलने वाला है 2.87 अपडेट के अंदर। अब जो सप्लाई क्रेडिट आएगा वो 2.8 अपडेट के अंदर ही आएगा, 2.7 का लास्ट सप्लाई क्रेडिट है ये। ठीक है, तो उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं ये अचीवमेंट के बारे में, जो आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे डेली ही कमेंट करते रहते हो कि भाई ये अचीवमेंट कैसे कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हो कि जो 6 दिन रिमेनिंग दिखा रहा है ना, तो सबसे पहले आप लोग को इसको कंप्लीट तरीके से इग्नोर कर देना है, क्योंकि भाई ये जो 6 दिन आपको दिखा रहा है ना, ये पबजी मोबाइल से लिंक है। जी हाँ, आपको पता है कि सेम पबजी मोबाइल के अंदर भी ये अचीवमेंट चल रहा है। ये दोस्तों आप लोग का 28 से 29 दिन जो वो एक्सटेंड होने वाला है। जी हाँ, तो भाई ये 28 से 29 दिन जो एक्सटेंड करेंगे क्राफ्टन वाले BGMI वाले, तो भाई ये तो भाई कंप्लीट भी तो होना चाहिए, या फिर ऐसे ही फालतू में तो एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो भाई देखो, जी हाँ बिल्कुल, आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो आप लोगों का अचीवमेंट है ना, इसके लिए दोस्तों एक पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए होता है, जो आपको एरेंगल में अलग अलग लोकेशन पर देखने के लिए मिलता है। जी हाँ, जहाँ पर दोस्तों आप लोग नॉर्मली जा करके जो है वहाँ पर कुछ 6 डक को दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को जो एक साथ ज्वाइन करना होता है। बेसिकली ये अचीवमेंट का मतलब बोल ही रहा है कि भाई आप लोग जो वो डक बोट्स को, ये एक नया किस्म का व्हीकल है, देख पा रहे हो यहाँ पे बोल रहा है कि लीड और बी ए पार्ट ऑफ एटलीस्ट 6 अटैच्ड डक बोट्स 1 टाइम। जी हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को 6 डक बोट्स को एक बार में कनेक्ट करना है। बहुत ही ईजी होता है भाई, ठीक है, आप लोग उसमें सटोगे अपने डक बोट्स के वाले व्हीकल में बैठ के, तो एक दूसरे से ये कनेक्ट हो जाता है। जैसे 6 हो जाएगा भाई, आपका अचीवमेंट ये कंप्लीट हो जाएगा। बट BGMI के अंदर ये लोकेशन आया ही नहीं है। तो भाई ये BGMI के अंदर ये लोकेशन आएगा कब, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि BGMI के अंदर ये वाला जो लोकेशन है वो ऐड कर दिया गया है, एरेंगल लिविक के अंदर नहीं किया गया, लेकिन अल्टीमेट अरीना के अंदर अगर आप लोग खेलते हो ना, तो अल्टीमेट अरीना के अंदर ये लोकेशन को ऐड करा गया है, जो आप लोग अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो अल्टीमेट अरीना के अंदर तो आ गया, लेकिन एरेंगल लिविक के अंदर कब आएगा, तो इसका भी डिटेल तुम्हारे भाई के पास है। इसके लिए दोस्तों गेम के अंदर आप लोगों को बहुत जल्दी कुछ ही दिनों के अंदर एयर ड्रॉप कार्निवाल करके एक इवेंट देखने के लिए मिलने वाला है। तो मैं आपको थोड़ा कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन करता हूं कि भाई ये इवेंट किस तरीके से होने वाला है। जब तक ये एयर ड्रॉप कार्निवाल वाला इवेंट नहीं आया, तक ये जो आपका डक फ्लीट वाला अचीवमेंट है ये आप लोग कंप्लीट कर ही नहीं सकते हो। जी हाँ, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का दोस्तों ये एयरड्रॉप कार्निवाल वाला का जो इवेंट है वो होने वाला। तो गेम के अंदर जैसे एयरड्रॉप कार्निवाल का इवेंट आएगा, तो आपको स्क्रीन पे ही दोस्तों एक आइकन देखने के लिए मिल जाएगा एयरड्रॉप कार्निवाल करके। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, टीम शेयर्ड मिशन दिखेगा, समर सिनर्जी पार्टी, और यहाँ पे सामने में आपको लेवल दिखेगा। तो जैसे आप लेवल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे आप लोग को कुछ प्रीमियम क्लासिक एंड सप्लाई के कूपन एंड यहाँ पे कुछ वाउचर्स मिल रहा है। सेकंड दोस्तों लेवल पे आप लोग यहाँ पे कुछ कमाल के इमोट मिल रहा है। तो अब जितने भी लेवल्स आप यहाँ पे देख रहे हो ना, हर लेवल से दोस्तों आप एक आइटम को परमानेंटली यहाँ से रिडीम कर सकते हो। जी हाँ, वो कैसे, आगे बात करते हैं। तो देख पा रहे हो कुछ कमाल के डांस इमोट वगैरह जो लेवल 2 पे देखने के लिए मिल रहे हैं। लेवल 3 पे दोस्तों आप लोगों को दोस्तों जो है वो यहाँ पे कैरेक्टर वाउचर देख पा रहे हो, RP पॉइंट्स, उसके बाद दोस्तों AG करेंसी है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का जो है वो और भी कुछ रिवॉर्ड है, BP कॉइंस वगैरह, सिल्वर वगैरह, ठीक है। एंड दोस्तों लेवल 4 पे आप लोगों को यहाँ पे दोस्तों कुछ पॉपुलैरिटी पॉइंट्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। जी हाँ, एंड जो
लेवल 5 है ना इसका, इसमें दोस्तों आप लोगों को तो कमाल का लेजेंडरी आउटफिट और हेडगियर भी देखने के लिए मिल रहा है। जी हाँ, तो आप सारे ही लेवल से एक परमानेंट रिवॉर्ड को यहाँ से ले सकते हो सिलेक्ट करके। इसके लिए आप लोग को लेवल 5 तक कंप्लीट करना जरूरी है। अब लेवल 5 तक अगर आपको कंप्लीट करना है तो इसके लिए दोस्तों आप लोग को यहाँ पे काफी सारे मिशन देखने के लिए मिलते हैं। तो टीम शेयर्ड मिशन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो रैंक अप विद फ्रेंड्स दिखेगा। तो जैसे आप यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप टीम को इन्वाइट करके मतलब अपने स्क्वाड को इन्वाइट करके खेलोगे तो यहाँ पर से आपको एयर ड्रॉप टोकन मिलेगा। देख पा रहे हो, 3 बंदों को इन्वाइट कर सकते हो यहाँ से आपको एयर ड्रॉप टोकन। जितना ज़्यादा एयर ड्रॉप टोकन आप वहाँ पर से कलेक्ट करोगे उतना ज़्यादा जो आपका लेवल है वहाँ पे बढ़ेगा एंड आप वहाँ से एक कोई परमानेंट रिवॉर्ड हर लेवल से ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग का एक और इवेंट देखने के लिए मिलेगा, समर सिनर्जी पार्टी करके, यहाँ से भी आपको एयर ड्रॉप टोकन मिल जाएगा दोस्तों। तो बस दोस्तों यही इवेंट मेरे को आपको एक्सप्लेन करना था। बस कुछ ही दिन और रह गए दोस्तों आप लोगों का, दोस्तों जो ये वाला जो एयर ड्रॉप आने वाला का इवेंट है वो BGMI के अंदर जैसे रिफ्लेक्ट करेगा वैसे ही दोस्तों आप लोगों को एरंगल के अलग अलग लोकेशन पे ये जो दोस्तों आप लोगों का जो एक दोस्तों आईलैंड बनाया गया ना वहाँ पे आप जा करके दोस्तों बड़ी आसानी से वहाँ पे डक बोट दिखेंगे, आप कनेक्ट करके अपना जो ये वाला जो आपका अचीवमेंट है ना इसको बड़ी आसानी से कंप्लीट कर पाओगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, लाइक करके शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव गुड डे एंड बाय बाय दोस्तों।